साथियों, आज से हम YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स पर कुश्ती, मल्लयुद्ध और रेसलिंग जिसे हम बोलते हैं उसका इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। मानव सभ्यता के अस्तित्व में आने के साथ ही कुश्ती खेल शुरू हो गया था। अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कुश्ती मानव इतिहास का प्राचीनतम खेल है। रेसलिंग इज द मोस्ट एंशियंट स्पोर्ट। जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करना, एक दूसरे से पर श्रेष्ठता सिद्ध करना, पशुओं से रक्षा करना, ये सब किसी न किसी रूप में कुश्ती ही थी। और हम उस दौर की बात करें तो आज की भांति जिस प्रकार आज महत्व है, उस दौर में भी पकड़ना, होल्ड जिसको हम बोलते हैं, या हम आज उसको पकड़ मारना भी बोलते हैं, और उसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है वो गिराना फाल। और इसके साथ साथ जब हम आज रेसलर ज्यादा अंक लेता है तो फेंकता है, थ्रो, तो इसी प्रकार उस दौर में भी पकड़ना, गिराना और फेंकना, कुश्ती में इन तीनों बातों का महत्व बहुत था और इनका विशेष तौर पर अभ्यास किया जाता था। इसके बाद एक ऐसा दौर आया कि जब कुश्ती केवल मात्र अपना बचाव करने, बचने, जीविका कमाने तक सीमित नहीं रहा। तो ये क्या, इसने क्या रूप लिया कुश्ती ने? कुश्ती एक आनंद लेने का माध्यम बन गई। आपस में जब रेसलर मल्लयुद्ध करते थे तो वो इसका आनंद लेने लगे। इससे पहले क्या था कि वो एक दूसरे पर श्रेष्ठता सिद्ध करते थे, और जब इसने खेल का रूप लिया, आनंद लेने का रूप लिया, तो मुझे लगता है कि जो ऑडियंस, दर्शक, उनकी शुरुआत भी यहीं से हुई, चाहे वो शुरू में 2, 5, 10, 20, 100, 50 से हो, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई। साथियों, ये जो हम रेसलिंग कुश्ती का इतिहास जो शुरू करने जा रहे हैं, इसकी आवश्यकता जरूर क्यों पड़ी, इसके कुछ कारण हैं, इसलिए मैं इसको देश और दुनिया के सामने पहुंचाना चाहता हूं। एक वर्ड होता है माइथोलॉजी, दंत कथाएं। हमारे देश में पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, ऐसा इतिहास है जो माइथोलॉजी, दंत कथाओं के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आया है। मैं अपने बारे में आपको बताऊं, 5 साल की उम्र से, मैं जब 5 साल का था तो मैं अपने दादाजी पहलवान चौधरी मुख्तियार सिंह जी से रेसलिंग के बारे में बहुत कुछ सुनता था। वो रामायण, महाभारत और उसके बाद बड़े बड़े पहलवानों के किस्से मुझे बताते थे। उनके अलावा भी मैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ गया, ऐसे सम्मानित बुजुर्गों से जिनको मैं नमन करता हूँ, मैंने इन कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, माइथोलॉजी के माध्यम से बहुत कुछ जाना, जिसे मैंने कलमबद्ध किया। तो अब हम क्यों ऐसा ये इतिहास आपके सामने लाने जा रहे हैं? एक तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो बहुत आदमी, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, और सभी तबका, पढ़े लिखे, बड़े बड़े, मैं कहता हूँ कि जो IAS IPS भी जो अधिकारी हैं, वो कुश्ती के बारे में काफ़ी कुछ मेरे से जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस महत्वपूर्ण और अति जो प्राचीनतम खेल है, इसे देश और दुनिया के सामने इस YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स के माध्यम से लाएं। तो एक मैं आपको और यहाँ बात एक महत्वपूर्ण बताता हूँ। पिछले कुछ सालों से जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के, यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हिस्ट्री और रेसलिंग पर जो PhD करनी की जो संख्या थी वो स्टूडेंट्स की बढ़ी हुई है, क्योंकि मेरे से हर साल कई स्टूडेंट्स से जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो कांटेक्ट करते हैं कि हमें इस विषय पर रिसर्च करनी है। तो इन सब बातों को देखते हुए मैंने ये समझा कि हम YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स के माध्यम से पूरा इतिहास देश के युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों के सामने लाएंगे, जिसका कुछ अपना महत्व है और जिसका लाभ भी होगा। साथियों, आप एक कई तरह की आप कंट्रोवर्सी देखते हैं कि इतिहास में ये गलत लिखा गया, ये सही लिखा गया, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में इतिहासकारों ने
एक इतिहास जो लिखने का जो वो बहुत देरी से कार्य शुरू हुआ है इतिहास का भी, उससे पहले हमारा जो हिस्ट्री है वो आक्रांताओं से प्रभावित रही, या हम कई बार हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि फलां इतिहासकार चाइना से आया, यूरोप से आया, यूनान से आया, उसने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे। भाई देखिए, कोई विदेशी अगर हमारे यहाँ पे आएगा और वो इतिहास लिखेगा तो वो उस इतिहास को लिखेगा जिसमें उनके देश की बढ़ाई होगी, और वो हमारे देश की सच्चाई क्यों लिखेगा? तो और अगर हम खेल की बात करें, आप नजर दौड़ा लो, आप मेरी बात को मत मानो, कितने इतिहासकारों ने और कितनी किताबों के माध्यम से खेल के इतिहास पर काम हुआ है। मुझे ये बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। और जिन लोगों ने ये प्रयास किया है उनको कोई प्रोत्साहन, कोई सम्मान, मान, इज्जत ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि ये ना हो कि 200 साल बाद हम फिर खेल का, कुश्ती जैसे खेल का, जो भारतीय खेल है, जो हिंदुस्तान से जिसकी शुरुआत हुई, उसका इतिहास भी हम विदेशियों का लिखा पढ़ें। इसलिए साथियों मैंने ये कार्य शुरू किया है। साथियों, कुछ विदेशी इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से दुनिया के अलग अलग कोनों में कुश्ती खेल खेले जाने की बात कही गई है। जैसे 3400 BC में, यानी कि ईस्वी पूर्व में, मिस्र की सभ्यताएं में कुश्ती खेल खेले जाने की बात कही गई है। बैनी हसन की गुफाओं में वॉल पेंटिंग्स पर और पत्थर से बनाई गई पहलवानों की मूर्तियों से इसके साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा 3000 ईस्वी पूर्व यूनान में कुश्ती खेल खेले जाने की बात इतिहासकारों ने कही गई है। इसके अलावा नील नदी की घाटी, यूफ्रेट्स और भारत में भी कई इतिहासकारों ने कहा है कि कुश्ती खेल खेला जाता था। इसके अलावा भी बहुत से स्थान हैं जो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।